15 अगस्त और रक्षाबंधन के त्यौहार पर राज्यपाल कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त का दिन हमें अपने देश के जवानों की याद दिलाता है, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। देश के जवानों के कारण ही हमें आजादी मिली है। हम सबको एकजुट होकर देश के विकास में भागीदारी निभानी होगी। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के त्यौहार पर भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह बहुत ही पवित्र और पावन दिन है, जिसमें बहन अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी स्वतंत्रता दिवस तथा रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। मेरी बहुत प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवस हमें ज्ञात व अज्ञात उन सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने देश के लिए अपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपनी जान दे दी, जेलों में बंद रहे, उनके कारण हमें कीमती आज़ादी मिली है। इस दिन हम संकल्प करें कि हम कैसे देश को एक रखें, अखंड रखें, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, उन सबको कैसे आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, समान अवसर मिले, ये हमारा प्रयास हो। हम सब मिलकर के प्रदेश को उन्नति के मार्ग पर आगे ले जाएं, ये हमारा संकल्प भी है और जनता से अपील भी है कि आप हमारा सहयोग करें, ये मेरी भावना है। रक्षाबंधन का त्यौहार तो बहुत पावन त्यौहार है। इन्हीं सरकार ने आगे बढ़ करके महिलाओं के लिए फ्री बस की व्यवस्था भी कर रखी है। ये परंपरा हमने शुरू करी थी कांग्रेस शासन के अंदर भी, आज भी कायम है। तो बहनों अपने भाइयों के रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बांधी, और भाई जो संकल्प लेता है, ये बहुत पवित्र पावन दिवस है जिसमें पूरे दुनिया के अंदर ऐसे त्योहारों के बारे में हिंदुस्तान की पहचान है, जहाँ पर भाई जो है बहन की रक्षा का संकल्प करता है और बहन जो उसकी खुशहाली दुआएं करती है। ये हमारे संस्कार संस्कृति परंपरा की खूबी है देश के अंदर, उसको